ओके, देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल वी मैनेज अ चाइल्ड दैट इज़ हैंडीकैप. ठीक है, एक चाइल्ड या एक इंडिविजुअल हु इज़ हैंडीकैप, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका मैनेजमेंट प्लान पूछा जाता है. तो एक तो मैनेजमेंट में पहली चीज़ तो यही आती है दैट देयर शुड बी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हैंडीकैप. ठीक है, तो जो स्टेप वन है उसकी मैनेजमेंट का, दैट इज़ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हैंडीकैप. उसमें यही है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, दैट पेरेंट्स देमसेल्व्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द चाइल्ड टू पीडियाट्रिशियन एंड सीक एडवाइस. ठीक है, अर्ली एज में, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए जो भी उसमें डिफेक्ट है, जो भी उसमें हैंडीकैप है. एनएसटी अब जो पीडियाट्रिशियन फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा बाय टेकिंग अ फुल हिस्ट्री, बाय असेसमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हैंडीकैप. ठीक है, ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री से चलेगा, एग्जामिनेशन से पता चलेगा डिग्री ऑफ हैंडीकैप का, और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करानी पड़ सकती हैं. ठीक है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा. अच्छा, अब ये तो हो गया अर्ली डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप ये था. देन सेकंड स्टेप आ जाता है उसके ट्रीटमेंट का. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं हैंडीकैप के लिए? एक तो हो गया फिजियोथेरेपी, अगर लिम्स का कोई डिफेक्ट है या मसल्स या बोन्स इसका कोई डिफेक्ट है तो फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइजेस हैं होती हैं उसमें, इंफ्रारेड रेज होती हैं. सेकंड वन, अच्छा इसको मैं नंबर कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फिजियोथेरेपी जिसमें इंफ्रारेड रेज होगी और साथ में एक्सरसाइजेस होगी. सेकंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. डेफिनेटली अगर एक बंदा हैंडीकैप है, स्टिल ही इज़ नॉट सपोज टू बी अ बर्डन ऑन सोसाइटी और हिज फैमिली, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं. ठीक है, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को किस तरह की ट्रेनिंग लेकर वो ऑप्ट कर सकता है. ठीक है, स्पीच थेरेपी देंगे अगर वो इज अनएबल टू टॉक नॉर्मली, स्पीच थेरेपी होगी. प्रोस्थेटिक्स इफ ही रिक्वायर्स एन आर्टिफिशियल लिम्ब, हेयरिंग एड और अदर इक्विपमेंट. तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या आ गया, नंबर वन उसका हम फिजियोथेरेपी देंगे, नंबर टू ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, नंबर थ्री स्पीच थेरेपी देंगे, नंबर फोर प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं उसको. ये तो होगी ट्रीटमेंट. देन ट्रेनिंग और एजुकेशन भी हम कर सकते हैं उसकी, और वो दो तरह की होती है, एक होती हैं मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए और एक होती हैं सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए. मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में ये कहा जाता है कि आइदर वे, वेदर ही इज़ सोशली हैंडीकैप और मेंटली हैंडीकैप, उसको हमने वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि ऑल्दो ही इज़ हैंडीकैप ही इज़ नॉट हैविंग a normal function of a certain organ, still he is supposed to seek vocational guidance so that he is not a burden on others and his family. ठीक है, so mentally handicapped children के बारे में कहा जाता है that they require special attention और उनको फिर काफ़ी areas of काफ़ी सारे discipline से help seek करनी पड़ती है, psychology में भी, education में भी, medicine में भी, social welfare से भी, rehabilitation services से भी. तो उनको फिर यही कहा जाता है कि that they should be treated with warmth, patience and tolerance, love, warmth, patience and tolerance, and their natural potentialities should be identified. जैसे अब autistic children हैं फॉर example, तो हमें उनकी उनमें हर एक में, जैसे हम कहते हैं कोई ना कोई नेचुरल जीनियस होता है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसको उस एक स्किल को शार्पन करके उसको उस चाइल्ड को उस डायरेक्शन में पुश करना चाहिए, दैट ही शुड सीक दैट एज अ वोकेशनल, एज अ वोकेशन, राइट. तो द नेचुरल पोटेंशियलिटीज शुड बी आइडेंटिफाइड इन द चाइल्ड मस्ट बी हेल्प टू डेवलप इन दैट डायरेक्शन. सोशली हैंडीकैप चाइल्ड वैसे ओवरऑल मेंटली तो नॉर्मल होता है ना, तो उसके लिए द नॉर्मल इन द नीड्स एंड डेवलपमेंट, तो दे जस्ट रिक्वायर अ लिटल स्पेशल अटेंशन. फैमिली मस्ट बी स्ट्रेंथन टू मैनेज सोशली हैंडीकैप चाइल्ड, डेफिनेटली उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, दे शुड बी मेट. ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या आ गया, अथॉरिटी डायग्नोसिस आ गया हैंडीकैप का, ठीक है, जिसका जिसमें पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ट्रीटमेंट ऑप्शन में फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और प्रोस्थेटिक्स है. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में यही है कि वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करें जो कि मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन की अलग होगी और सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन की अलग होगी. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर हैंडीकैप.